दोस्तों आज हम बात करेंगे हस्तरेखा विज्ञान में पाए जाने वाले गर्डल ऑफ वीनस रेखा के बारे में, यानी कि शुक्र की कर्धनी, जो कि किसी जातक के चिंता करने अथवा टेंशन लेने से बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी लाइन होती है जो कि टेंशन लेने से बनती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को बचपन से सिखाया गया है, कर्म ही पूजा है, कर्म करो आगे बढ़ो, अच्छे कर्मों से अच्छा फल तथा बुरे कर्मों से बुरा फल मिलता है। उसी प्रकार से दोस्तों, हमारे किए हुए अनेक कर्मों से हमारे हस्त पर भी रेखाएं परिवर्तित होती है। ठीक उसी तरह दोस्तों, जब हम चिंता करते हैं, यह चिंता भी हमारे कर्म का ही एक रूप है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, चिंता चिता का एक रूप होता है। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि वह ऐसी कौन सी रेखा है जो चिंता करने से बनती है और इसके प्रभाव क्या हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक रेखा बुध सूर्य पर्वत के बीच से निकलते हुए गुरु तथा शनि पर्वत के बीच में इसका अंत हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक माला की तरह है। दोस्तों, यह रेखा 80% लोगों के हाथों में होता है, किसी में आधी तथा किसी में पूरी होती है। कुछ जातकों के हाथों में यह दो रेखाएं भी होती हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे गर्डल ऑफ वीनस के प्रकार के बारे में, और अब हम जानते हैं गर्डल ऑफ वीनस के प्रभाव के बारे में। दोस्तों, यह गर्डल ऑफ वीनस की लाइन निगेटिव रेखा की तरह होता है, क्योंकि यह रेखा जातक को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है। ऐसे लोगों का दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है। ऐसे लोग बहुत ही दयालु किस्म के होते हैं और इनका दिल बहुत बड़ा होता है। ये बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, इसका नाम गर्डल ऑफ वीनस है। तो इस रेखा की वजह से जातक के जीवन में शुक्र से संबंधित कई परेशानियां भी आती हैं। दोस्तों, ऐसे जातक जिनके हस्त पर गर्डल ऑफ वीनस की लाइन होती है, वे लोग अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खोते जाते हैं और बहुत ही जल्दी घबरा भी जाते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, यदि आपके हस्त पर यह गर्डल ऑफ वीनस की रेखा बन रही है या फिर बन चुकी है, तो आपके लिए बेस्ट रेमेडीज यही होगी कि आप तुरंत चिंता करना बंद कर दें तथा इसके विपरीत ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें, जिससे कि इस रेखा का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहेंगे, तो जिस प्रकार से चिंता करने से यह रेखा बनता है तथा लोगों को इमोशनल करता है, उसी प्रकार से यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहेंगे, तो इस लाइन का प्रभाव भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, यदि गर्डल ऑफ वीनस के लाइन से कोई ब्रांच निकलते हुए हार्ट लाइन को टच करती है, तो ऐसे में जातक का हार्ट बीट किसी छोटे हादसों के घटित होने पर अचानक से तेज हो जाता है। दोस्तों, इसका सिंपल रेमेडीज यही है कि खुश रहें, मस्त रहें तथा इसके प्रभाव धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए आप मेडिटेशन का भी यूज कर सकते हैं, ये आपको फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे गर्डल ऑफ वीनस लाइन के बारे में, जो कि किसी जातक के हस्त पर चिंता करने या फिर टेंशन लेने से आता है। आशा करते हैं दोस्तों, आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।